पहले कॉलर हैं रतन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार सर। भारत अकीन सर, जय हिंद, जय भारत, जय भीम। जी सर, मैंने दो तीन दिन पहले आपसे प्रश्न पूछा था। एक महिला लड़की जिसका मेंस बंद हो गया है ना, तो आपने कहा था उसे कलौंजी का सिरका पीने के लिए और हल्दी दो चुटकी कर। तो सर वो कलौंजी का सिरका तो नहीं मेरे पास अवेलेबल है, जैतून का सिरका। क्या कलौंजी के सिरके की जगह जैतून का सिरका काम कर सकता है जी? और ये दो चुटकी आपने कई एक महीने के लिए हल्दी बोला था, उसको पानी में पीना है। और सर मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि प्रोस्टेट मेरा बड़ा हुआ, ठीक है सर, 23 करीब करीब 23.8 है ये क्या, ठीक है। तो आपने एक बार कहा था कि आप लाजवंती, लेकिन सर मेरा पेशाब का प्रॉब्लम नहीं है सर, पेशाब ना मैं रात में उठता हूँ ना दिन में 10 बार जाता हूँ, कुछ नहीं सर, लेकिन लास्ट में कई एक कतरा बच जाता है पेशाब करते वक्त, लास्ट में कतरा बचता है वो मेरे साथ समस्या कर रहा है, लगता मेरा वो समस्या वही है सर। ठीक है ठीक है, आप अपना फोन मत काटिएगा और हमारे मीडिया कर्मी को नंबर दे दीजिए अपना। आजकल एक मुहिम चल रही है जो लोग दूसरों की सेवा कर रहे हैं और अपना खुद भी फायदा जिन लोगों ने उठाया है उससे हमारे मीडिया कर्मी संपर्क करते हैं, तो अपना नंबर नोट करा दीजिए। आपने बहुत सेवा की है लोगों की, वो कर रहे हैं। और सवाल बताइए जी, कलौंजी की जगह जैतून के सिरके का इस्तेमाल हो सकता है? अगर असली है तो आप कलौंजी की जगह जैतून का सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है? अच्छा देखिए, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम की कैफियत होती है और जिस तरह से आप कैफियत बताते हैं उसकी तरह से इलाज बताते हैं। तो देखिए, एक अच्छा नुस्खा है जो मैं बार बार बताता हूँ और वो तरह तरह से बताता हूँ। एक तो वो कि अलसी आधा चम्मच, हल्का सा भुनी हुई अलसी आधा चम्मच, और ये लाजवंती आधा चम्मच, और एक चुटकी ये गौंद चिलगोजा, ये एक खुराक रोज ले लिया करें। ये नुस्खा आप जैसे रोगियों के लिए है, बस एक खुराक पूरे दिन में, ठीक है। अगर किसी को पेशाब अवरुद्ध होता है, तकलीफ से आता है, मुश्किल से आता है, तो इसमें एक चुटकी नमक जैतून के पानी के साथ लें और इसमें एक चुटकी कत्था, खाने का कत्था होता है ना जो पनवाड़ी पान पे लगाता है, एक चुटकी वो भी डाल लें। तो वो तकलीफ जो बहुत मुश्किल से पेशाब आता है और जलन होती है, काफ़ी परेशानियां होती हैं, तो ये उसके लिए, और पेशाब में कोई ज़ख़म हो उसके लिए, पेशाब की नाली में ज़ख़म हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो उसके लिए, और वो हो जाता है जलन, यानी सुजाक, एक बार से सुजाक, तो पेशाब के नाली के अंदर ज़ख़म हो जाते हैं, तो ये उसके लिए भी है। देखिए एक नुस्खा बहुत बहुत यानी बीमारियों में काम करता है, यही नुस्खा अगर खूनी बवासीर में ले लिया जाए तो वो भी बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन इस नुस्खे को बवासीर की सूरत में दूध से लेना ज़रूरी है।